अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। भाइयों बहनों, आप सभी पर ईश्वर की कृपा हो। मैं आज आपके सामने इस्लामी त्यौहार ईद उल फितर के बारे में संक्षिप्त वार्ता प्रस्तुत कर रहा हूँ। ईद उल फितर इस्लाम के दो बड़े त्यौहारों में से एक त्यौहार है। इस्लामी कैलेंडर के रमज़ान महीने के समाप्त होने के बाद अगले दिन ही ये त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार में जो दो चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं, तो यूँ कहा जाए कि ये त्यौहार दो चीज़ों से जुड़ा हुआ है। एक महीने के उपवास या रोज़े है और दूसरा कुरान का अवतरण, कुरान का नाजिल होना। ये दो चीज़ें इस त्यौहार के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इन दो चीज़ों के संबंध में हम यहाँ आगे चर्चा करेंगे। रोज़ा या उपवास क्या है? मनुष्य को संयमी और सदाचारी बनाने के उद्देश्य से रमज़ान महीने के पूरे एक महीने के रोज़े अनिवार्य किए गए हैं और कुरान में आदेश दिया गया, जिसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, ए आस्थावान लोगों, तुम पर रोज़े अनिवार्य किए गए जिस प्रकार तुमसे पहले के लोगों पर अनिवार्य किए गए थे। इससे आशा है कि तुम सदाचारी बन जाओगे। रोज़े में पौ फटने से लेकर सूर्यास्त तक खान पान तथा सहवास वर्जित है, मनाही है इसकी। बुराइयों से बचने की हिदायत की गई है, नेकी के कामों पर उभारा गया है। कितनी ही भूख और प्यास लगी हो, आदमी कुछ भी खाए पिएगा नहीं, अकेले में भी नहीं, क्योंकि उसे ये एहसास रहता है कि ईश्वर से कोई चीज़ छुपी नहीं है और वो हमें देख रहा है। ईशदूत हज़रत मोहम्मद, उन पर ईश्वर की कृपा हो, के आदर्श और उनके तरीक़े को अपनाने का संकल्प है। कठिन परिस्थितियों से निमटने का एक अभ्यास है। ईश्वर की प्रसन्नता के लिए अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। मनुष्य की तीन आवश्यकताएं, भोजन, कामेच्छा की पूर्ति और विश्राम, ये तीनों ज़रूरी हैं, मगर ज़रूरी हैं अगर जायज़ ढंग से इनको किया जाए। परंतु यदि इन पर इंसान का अपना नियंत्रण ना हो तो इंसान अपने इस स्तर से गिर जाता है और गिरता चला जाता है। रोज़ा इन तीनों आवश्यकताओं को संयमित और नियंत्रित करता है, उन पर कंट्रोल करना सिखाता है। लगभग 15 घंटे तक खान पान तथा अपने जायज़ दाम्पत्य संबंधों पर रोक के द्वारा मनुष्य अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखने का अभ्यास करता है। इसी प्रकार रमज़ान में रात में आराम में भी कुछ कटौती कर दी गई और रात के पिछले पहर उठकर कुछ खा पी लेने की हिदायत के द्वारा विश्राम को भी नियंत्रित किया गया है और उस पर कंट्रोल की एक आदत डलवाई गई है। जब मनुष्य जायज़ चीज़ों से ईश्वरीय आदेश के को पालन करने में परहेज करके अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख जाता है, तो वो वर्जित और प्रतिबंधित कामों से रुकना भी उसके लिए सरल और सहज हो जाता है। ये रोज़े का अति महत्वपूर्ण लाभ है। इसके अतिरिक्त रोज़ा इंसान को भूख और प्यास के कष्ट का भी अनुभव कराता है, जिससे उसमें गरीबों के प्रति हमदर्दी पैदा होती है। सारे विश्व में एक ही महीने में रोज़े अनिवार्य होने के कारण सामाजिक एकता पैदा होती है और साथ ही साथ हेल्थ या स्वास्थ्य की दृष्टि से भी रोज़े के बहुत से फायदे हैं। रमज़ान महीने के ये रोज़े वास्तव में एक ऐसा रिफ्रेशर कोर्स है जो मनुष्य को हर वर्ष सत्य मार्ग पर डटे रहने की नई ताकत, नई ऊर्जा प्रदान करता है
और उसे अधिक आस्थावान, संयमी, चरित्रवान तथा परलोक में विश्वास रखने वाला एक मजबूत इंसान बनाता है। ईद उल फितर वास्तव में इसी रिफ्रेशर कोर्स के समापन समारोह की भांति है। हमने ईश्वरीय आदेशानुसार एक संकल्प को पूर्ण कर लिया, एक तपस्या पूरी कर ली, अपनी आंतरिक शक्ति, अपने मनोबल को बढ़ाया। ये कार्य पूरी सोसाइटी ने मिलकर किया, इसलिए ये हर्षोल्लास मनाने और खुशी का एक दिन है। साथ ही ईश्वर के प्रति एहसानमंदी, कृतज्ञता दर्शाने का भी दिन है। रमज़ान कुरान के अवतरण का महीना है। ईश्वर की महान कृपा है कि उसने मनुष्यों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ उनके मार्गदर्शन का भी प्रबंध किया है। इसी की अंतिम कड़ी के रूप में ईशदूत हज़रत मोहम्मद, उन पर ईश्वर की कृपा हो, पर इंसानों के मार्गदर्शन के लिए रमज़ान के महीने में ईश्वर द्वारा कुरान का अवतरण किया गया। इस ग्रंथ में इंसानों का मार्गदर्शन किया गया है, उसके जीवन उद्देश्य एवं जीवन लक्ष्य को स्पष्ट किया गया है। परलोक की जवाबदेही तथा धरती पर जीवन यापन का तरीका, अधिकार, कर्तव्य भी बताए गए हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो पारिवारिक हो या सामाजिक हो या आर्थिक हो, इन सबसे संबंधित नियम और सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, जो पूर्ण रूप से आज के लिए भी सार्थक हैं, रिलेवेंट हैं। कुरान एक सुरक्षित ग्रंथ है, इसकी भाषा अरबी भी सुरक्षित है और दुनिया के बड़े भाग में आज भी प्रचलित है। कुरान का चमत्कार यह है कि मानव जीवन के प्रत्येक विषय पर विवेचना करते हुए भी उसमें कोई टकराव या विरोधाभास नहीं। पिछले 1500 वर्षों में कितना कुछ बदल गया, मगर कुरान में वर्णित नियम और सिद्धांत समय की कसौटी पर पूरे उतरे। अरब के रेगिस्तानी लोगों से लेकर आज के प्रगतिशील और वैज्ञानिक युग में और उसके मार्गदर्शन में पुराने सिद्धांत मानव जाति की जटिल समस्याओं के समाधान में पूर्ण रूप से सक्षम है। कुरान वास्तव में ईश्वर की ओर से मानव के लिए सर्वश्रेष्ठ उपहार है, बहुत बड़ा एक गिफ्ट है। इस उपहार की प्राप्ति की वर्षगांठ पर जश्न मनाना स्वाभाविक है। ईद कैसे मनाएं? स्पष्ट है कि ईद का त्यौहार एक माह की कठिन तपस्या को पूर्ण करने की खुशी में तथा ईश्वर के दिए गए अनमोल उपहार पवित्र कुरान के अवतरण पर एहसानमंदी या कृतज्ञता प्रकट करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस महत्वपूर्ण त्यौहार के मनाने में सभी प्रकार के आडंबरों से बचना चाहिए। इसमें हर्षोल्लास है, खुशी है, मगर सादगी और शालीनता के साथ है। इसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता है कि उसने हमें सामर्थ्य और शक्ति दी कि हम एक मास के कठिन व्रत को पूरा कर पाए। इस त्यौहार में सामूहिकता और भाईचारा है, सामाजिक प्रेमभाव और हमदर्दी है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि असंपन्न और गरीब को भी ईद की खुशी में शामिल करने या भागीदार बनाने के लिए इसमें ज़कात यानी अनिवार्य दान और ऐच्छिक दान के अतिरिक्त ईद के अवसर पर विशेष दान का प्रबंध किया गया है। हर परिवार के प्रत्येक सदस्य की ओर से गरीब लोगों को देने का प्रबंध किया जाता है, जो ईद से पहले पहले गरीबों तक पहुंच जाना चाहिए। इसको सदका फित्र कहते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि गरीब को भी ईद मनाने का सबके साथ अवसर मिल जाए। आइए हम सब मिलकर इस प्रेम भाव को बढ़ाएं और ईश्वर की अनुकंपा के भागीदार बने। अंत में सभी देशवासियों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। Thank you.